इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। जैसे हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स देखे हैं, जैसे LVDT था, थर्मिस्टर था, अर्थात जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेचर है, उसको किसी इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है एक ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर, एक विशेष प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो एक फिजिकल क्वांटिटी फ्लो को, अर्थात जो प्रवाह है किसी भी लिक्विड का या किसी भी फ्लूइड का, उस फ्लो को ये कन्वर्ट करता है आउटपुट के वोल्टेज में। सो इट इज़ कन्वर्टिंग अ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इसीलिए इसको हम ट्रांसड्यूसर्स की सब हेडिंग में देख रहे हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर मीटर है, अर्थात कुछ मेजर करेगा, और क्या मेजर करेगा? फ्लो या प्रवाह। तो जितनी भी दर होगी मिलीमीटर क्यूब प्रति सेकंड में या मिलीमीटर क्यूब प्रति मिनट में, ऐसे ही मीटर क्यूब प्रति सेकंड में या मीटर क्यूब प्रति मिनट में, उस चीज़ को ये मेजर करेगा और मापेगा, और आउटपुट जो है वो हमें किसी वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको यूज़ किया जाता है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें ये डिवाइस जो है, ये ट्रांसड्यूसर जो है वह कार्य करता है, और ऐसे ही इसमें हम इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की सहायता से जो भी फ्लूइड्स होते हैं, उन फ्लूइड्स का जो फ्लो है, उनके प्रवाह की जितनी भी दर है उसको मेजर किया जा सकता है। अब फ्लो मीटर किसी पाइप से लिक्विड का फ्लो जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ये जो प्रवाह होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लैमिनार, वन इज़ लैमिनार एंड सेकेंड इज़ टर्बुलेंट। जो लैमिनार होता है उसमें विभिन्न परतें जो हैं वो स्मूथली स्लाइड करती हैं, अर्थात जितने भी उसमें आयंस होंगे वो आयंस कैसे होंगे, एक ही दिशा में होंगे। जैसे मान लेते हैं लेफ्ट से राइट, तो सब लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करेंगे। लेकिन जो टर्बुलेंट होता है उसमें उच्च गति पे, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उस हाई वेलोसिटी के कारण क्या होता है, जो फ्लो है या जो प्रवाह है वो स्मूथ नहीं रह पाता है, वो एक रैंडम मोशन होता है। जैसे कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई यहाँ इस तरफ जा रहा है, कोई लेफ्ट टू राइट, कोई राइट टू लेफ्ट, सो वहाँ पे स्मूथ फ्लो जो है वो नहीं होता है टर्बुलेंट के केस में। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है उसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, ये इसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है, दैट फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो लिक्विड या फ्लूइड उसमें काम में लिया जा रहा है, दैट शुड बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। वो जब तक आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का जो पूरा कंसेप्ट है वो उस पर वर्क नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट इसमें मापा जाता है। ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो फ्लूइड के प्रवाह की दर को मापता है, अर्थात फ्लूइड कितने दर से प्रवाहित हो रहा है उसको ये मेजर करता है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है या चुंबकीय पदार्थ है उसको काम में लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर इज सैटिस्फैक्ट्री फॉर कंडक्टिंग फ्लूइड। ऐसे ही इट कंप्राइजेज ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इन नॉन कंडक्टिंग सेक्शन ऑफ ट्यूब एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। तो कंडक्टिंग फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल रहता है, ये यूज़ किया जाता है जितने भी चालक द्रव्य होंगे, और ऐसे ही उसके साथ साथ इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं और नॉन कंडक्टिंग सेक्शन ऑफ ट्यूब में, अर्थात जो ट्यूब है वो हमारे पास कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है, उस पर दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अपोजिट दिशा में कनेक्ट होंगे। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 90 डिग्री पे, अर्थात परपेंडिकुलर दिशा में अप्लाई किया जाता है। अब जो आयंस का विक्षेपण होता है वो साइन के अनुसार होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास जो फ्लूइड हमने काम में लिया उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, मान लेते हैं कोई एक तो हमारे पास H प्लस है और एक है OH माइनस। एक सिंपल अगर वाटर के एग्जांपल्स देखें, एक कुछ आयंस है H प्लस के और कुछ है OH माइनस आयंस के, तो उनका जो विक्षेपण होगा, डिफ्लेक्शन होगा, उनके साइन के अनुसार होगा, वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही जो गति होती है इनकी वो ब्रिज सर्किट में लगे हुए इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से ज्ञात की जाती है, और जो फील्ड के कॉयल्स होते हैं उन पर जो इनपुट दिया जाता है वो इनपुट हमारे पास होता है AC। सो AC इनपुट इज़ गिवन, कुछ इस प्रकार की डिवाइस रहती है ये यहाँ पर पाइप, दिस इज़ द पाइप विच इज़ कैरिंग द फ्लूइड एट वेलोसिटी V, उसके परपेंडिकुलर ये B है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फिर ये यहाँ पर हमारे पास कॉयल्स लगे हुए हैं, दो कॉयल्स जिनको AC इनपुट देकर के यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्पन्न की जाती है। इस ट्यूब के ऑपोजिट फेसेस पे, यहाँ ऑपोजिट सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोड, दिस सेकेंड इलेक्ट्रोड,
यहाँ पर जो भी आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो ई है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इंड्यूस्ड वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू के इंटू बी वी डी। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ऐसे ही के हमारे पास कांस्टेंट, वी जो है वो मीन फ्लो वेलोसिटी, एंड डी इज इंटरनल डायामीटर। जितना भी इंटरनल डायामीटर होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरनल डायामीटर जैसे यहाँ पे डी है उतना ही डिस्टेंस है इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में। सो डी इज डी जो है वो क्या कह क्या कहा जा सकता है उसको, एक तो इंटरनल डायामीटर है इस पाइप का या फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य का डिस्टेंस या दूरी। अब इसका जो प्रिंसिपल या सिद्धांत है, इट इज़ बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसके सिद्धांत पे ये निर्भर करता है, उसी पर आधारित होता है। इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज ई होती है, इंड्यूस्ड अक्रॉस लेंथ एल ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, अर्थात जो ट्यूब है हमारे पास उसका हमारे पास लेंथ जो डायमी जो हमारे पास ट्यूब है उस ट्यूब के लिए हमारे पास एक लेंथ एल है, और इसका जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो कितने प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, उसकी जो प्रवाह की दर है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है वी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो है हमारे पास बी। तो उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बी एल वी। एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम डायामीटर ऑफ ट्यूब भी कह रहे हैं, और वी जो है हमारे पास वो वेलोसिटी है कितने जिससे प्रवाहित हो रहा है वो चालक द्रव्य, और बी है हमारे पास नोन कांस्टेंट, तो उसके आधार पे ई जो है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उत्पन्न विभव जो है वो चालक द्रव्य के समानुपाती होता है, जैसे कि हम यहाँ देख ही रहे हैं कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर वी के। ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ई जो है वो वी के समानुपाती है। तो उत्पन्न विभव जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो चालक द्रव्य के वेग के समानुपाती होता है। ये यहाँ पर हमारे पास रहती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहता है जो लिक्विड है वो इस पाइप में से फ्लो करता है। ये यहाँ पर लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रोड्स, देन द कंस्ट्रक्शन या बनावट, इसकी जो संरचना या बनावट होती है उसमें एक तो स्टेनलेस स्टील सिलेंड्रिकल ट्यूब में इंसुलेटिंग लाइनर होता है। ये जो इंसुलेटिंग लाइनर होता है उसी के माध्यम से जो चालक पदार्थ है उसका इंट्रैक्शन बाकी किसी मटेरियल के साथ नहीं होता, अर्थात उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्टेनलेस स्टील के सिलेंड्रिकल ट्यूब में एक इंसुलेटिंग लाइनर लगा हुआ होता है, विद्युतरोधी लाइनर, जो मापे जा रहे फ्लूड को कैरी करता है विच कैरीज द मेजर्ड फ्लूड। देन द लाइनिंग मटेरियल्स जो काम में लिए जाते हैं वो जनरली होते हैं नियोप्रीन, पॉलीयूरीथेन। देन ट्यूब जो है वो मेंस एनर्जाइज्ड फील्ड कॉयल्स की सहायता से उत्पन्न की जाती है। ट्यूब्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेंस एनर्जाइज्ड फील्ड कॉयल्स की सहायता से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उत्पन्न किया जाता है, अर्थात जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसको फील्ड कॉयल्स की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इंसर्ट होते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्यूब्स में, ऑपोजिट साइड्स पे लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रोड्स, और उन्हीं के माध्यम से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको मेजर किया जाता है या मापा जाता है। तो ये ऑपोजिट साइड में लगे हुए इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड वन, ये इलेक्ट्रोड टू। देन इलेक्ट्रोड्स स्टील प्लैटिनम इरिडियम अलॉयस के बने हुए होते हैं, जो फ्लूइड्स जो भी फ्लोइंग फ्लूइड्स है चालक द्रव्य पदार्थ है उसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न होती है, ये कंडक्टिव फ्लूइड, ये फ्लो का डायरेक्शन, एंड दीज आर द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद इसकी वर्किंग, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको पाइप के दोनों सिरों पर रखा जाता है, क्योंकि ऑपोजिट फेसेस में लगाया जाता है। जो प्रवाहित लिक्विड होता है या जो फ्लूइड होता है उससे इसका संपर्क बना रहता है। चालक द्रव्य को कुचालक पाइप में प्रवाहित किया जाता है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो चालक द्रव्य पदार्थ है उसको एक कुचालक पाइप में प्रवाहित किया जाता है या फ्लो कराया जाता है। अब जो उत्पन्न विभव होता है यहाँ पर, जब ये चालक द्रव्य यहाँ से फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर इंड्यूस्ड जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू होती है बी वी डी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी वी डी। तो यहाँ कांस्टेंट के आ जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के बी वी डी। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि जो इंड्यूस्ड विभव है वो इस वी वेलोसिटी के, अर्थात जो भी वेग रहेगा, जो भी प्रवाह रहेगा, प्रवाह की उस दर के समानुपाती होता है।
तो प्रवाह की दर अगर अधिक है तो हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है वो भी अधिक मिलता है। अगर प्रवाह की दर वी जो है हमारे पास कम वैल्यू रहती है कि प्रवाह फ्लो रेट जो है वो कम है, तो उस केस में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज ई होता है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। तो जब ये फ्लूइड प्रवाहित होता है इस ट्यूब में से, तो इलेक्ट्रोड्स के कारण जो भी यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज हमें मिल जाता है। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज वोल्टेज इंड्यूस होता क्यों है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन के कारण। तो ई इक्वल टू के टाइम्स बी वी डी। बी हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहती है, जितनी भी तीव्रता रहती है जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है उसमें, और डी हमारे पास डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो ये लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो इन कॉइल्स के माध्यम से दिया, और ये यहाँ पर आउटपुट जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारे पास बी जो है, ये अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो बी जो है उसके क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, एट 90 डिग्रीज रहेगा। उसके बाद इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ हैं कि इस प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर रहता है उसमें करोसिव फ्लूइड्स जो हैं उनकी हैंडलिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। जो भी ऐसे चालक द्रव्य हैं उन चालक और करोजन करने वाले फ्लूइड्स को भी इजीली हैंडल किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग सूटेबल लाइनिंग मटेरियल इज़ यूज्ड, कि इस प्रकार के सिस्टम में क्या होना चाहिए कि अगर एक सूटेबल लाइनिंग मटेरियल यहाँ पे काम में लिया गया है तो करोजिव फ्लूइड्स को भी हैंडलिंग की जा सकती है। उसके बाद इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, तो जो घर्षण की या फ्रिक्शन की समस्या है जो अन्य फ्लो ट्रांसड्यूसर्स में देखी जाती है वो समस्या यहाँ नहीं रहती। इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, परिशुद्धता अधिक होती है। ऐसे इसका आउटपुट जो होता है वो जनरली लीनियर होता है, क्योंकि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फ्लो रेट के समानुपाती है। अगर फ्लो रेट इंक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान भी उसी अनुपात से बढ़ता है। इसका रिस्पॉन्स फास्ट रहता है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो जल्द शीघ्र प्राप्त होता है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज, इट्स डिसएडवांटेजेस या इसकी हानियाँ, इसमें जो फ्लूइड है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला ही होना चाहिए। ऐसे ही जो कैलिब्रेशन वगैरह करना होता है तो इसकी फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन के कारण जो कॉस्ट है वो इसमें अधिक रहता है, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रांसड्यूसर। उसके बाद जब अब्रेसिव फ्लूइड्स अर्थात जो करोजिव लिक्विड्स इसमें काम में लिए जाते हैं उनको यूज़ करने पर हो सकता है कि जो इंसुलेशन लाइनिंग है उसको क्षति पहुँचे, तो इसलिए इसकी एक प्रकार की लिमिटेड लाइफ रहती है कि केवल कुछ समय तक ही इसको काम में लिया जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज, कि यहाँ पे जो फ्लूइड यूज़ होता है उसका सबसे पहले उसमें देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वो एक प्रकार का एक्सप्लोजन प्रूफ फ्लूइड ही हो, जिससे कि बाकी का जो सिस्टम है उसको कोई भी क्षति नहीं पहुँचे। देन द रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स होते हैं जिनकी सहायता से जो प्रवाह की दर है उसको मापा जाता है, उस प्रवाह की दर को मापते हुए जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स इसमें हो रहे हैं वो है कि फिजिकली, क्योंकि ये जो डिवाइस है इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है दैट इट इज़ अ हैवी डिवाइस, इसका साइज़ जो है बहुत अधिक होता है, और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स और जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके कारण ये जो हैवी ट्रांसड्यूसर रहता है। इसीलिए अभी ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है दैट दीज आर फिजिकली स्मॉलर, जिससे कि इनका साइज़ जो है वो स्मॉल रहे, इजीली ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करके इनको इनकी हेल्प से जो फ्लो रेट है उसको मापा जा सके। देन सेकंड इज़ बेटर कॉइल डिज़ाइन, जो कॉइल का डिज़ाइन है उसको बेहतर करने के लिए डेवलपमेंट्स। देन थर्ड इज़ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ रिड्यूस्ड, कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए ले रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने का भी एक रीसेंट डेवलपमेंट इसमें है, दैट थ्रू इट द कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिक्रीज्ड। एंड लास्ट इज़ लो फ्लूइड कंडक्टिविटीज़, कि जो फ्लूइड्स यहाँ पर काम में लिए जाते हैं अगर उनमें कंडक्टिविटीज़ जो हैं वो कम है, कंडक्टिविटी अगर कम है तो अभी जो ऐसा डेवलपमेंट किया जा रहा है कि जो लो कंडक्टिविटी वाले फ्लूइड हैं उनको भी यहाँ पर उनका भी फ्लो रेट इसकी हेल्प से इजीली मापा जा सके। नहीं तो बेसिकली द मेन रिक्वायरमेंट फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर इज़ कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो जिन भी फ्लूइड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है अर्थात उच्च है उन्हीं के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर फ्लूइड की कंडक्टिविटी कम है तब भी इसको यूज़ किया जा सके, ऐसे ये रीसेंट डेवलपमेंट्स इसमें हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, जो भी फील्ड कॉइल्स पर इनपुट दिया जा रहा है उसके माध्यम से तथा दो इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से जो फ्लो रेट है
उसको मापा जा सकता है, अर्थात एक विशेष प्रकार का ट्रांसड्यूसर जो फ्लूइड के प्रवाह की जितनी दर है उस दर को, उस फ्लो रेट को माप सकता है, जैसे मीटर मिलीमीटर क्यूब प्रति मिनट या मीटर क्यूब प्रति सेकेंड. सो दैट फ्लो रेट कुड बी मेजर्ड. सो वॉल्यूम फ्लो रेट कैन बी इजिली मेजर्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड इंटू आउटपुट वोल्टेज. सो एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वॉल्यूम फ्लो रेट, उसको ये चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट में. दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर विच चेंजेस अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फ्लो इंटू आउटपुट वोल्टेज. दैट इज़ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द डिवाइस. तो ये जो हमारे पास ट्यूब रहेगी उसमें एक तो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे और ऐसे ही कॉइल्स के माध्यम से जो मैग्नेटिक फील्ड है उत्पन्न करके प्रदान की जाएगी, और फिर यहाँ से जो हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज मिल रहा है वो हम एक मीटर की सहायता से यहाँ पर देख सकते हैं. थैंक यू.